हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया और इस क्लास में हम फास्फोरस के बारे में जनरल फास्फोरस की जनरल केमिस्ट्री बताएंगे और कुछ उसके कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं 15 पी ग्रुप के, तो पी ब्लॉक का ग्रुप है 15। पहला इसका पहला एलिमेंट था नाइट्रोजन और दूसरा एलिमेंट इसका है फास्फोरस। तो फास्फोरस के बारे में जनरल स्टडी करेंगे, बाकी सारे कंपाउंड, सारे जो एलिमेंट थे, जनरल स्टडी जो है, जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक, 15 पी ब्लॉक का हमने किया, तो उसमें सारी चीजें बताई। तो आज हम स्पेशली फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स इसकी बात इस क्लास में करेंगे। नाउ एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस ऑफ फास्फोरस। एलोट्रॉप्स मीन्स जब एक ही एलिमेंट कई फॉर्म में मिलता है तब उसको हम उस एलोट्रॉप कहते हैं। फास्फोरस वॉज डिस्कवर्ड बाई ब्रैंड इन 1669। शीले आइसोलेटेड एंड फॉर्म बोन एश एंड लेवर्सियर इन 1777 प्रूव दैट फास्फोरस इज एन एलिमेंट। इट ग्लोज इन डार्क एंड वॉज देयर फॉर नेम फॉस्फोरस। ग्रीक वर्ड फॉस लाइट एंड फेरो मीन्स वन कैरी, आई कैरी। फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, बट द मेन फॉर्म्स आर व्हाइट और येलो फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस एंड ऑल्सो वायलेट फॉस्फोरस इज नोन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाइट और येलो फॉस्फोरस। व्हाइट और येलो फॉस्फोरस इज द कॉमन वेराइटी। इट इज ऑब्टेन आइदर फ्रॉम फॉस्फोराइट और बोन एश बाय द एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग टू प्रोसेस, रिटार्ड प्रोसेस और ओल्ड प्रोसेस, एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोथर्मल प्रोसेस, दैट इज मॉडर्न प्रोसेस। इलेक्ट्रो थर्मल प्रोसेस और मॉडर्न प्रोसेस, इसका डायग्राम इस तरह से है। ये कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं बीच में और कैल्शियम फॉस्फेट सैंड एंड कोक यहाँ पे लिया जाता है। इसमें वार्म कन्वर्टर है, ये इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि फास्फोरस वेपर्स प्रोड्यूस होती है, इनको हम अलग आइसोलेट कर लेते हैं। ये थर्मो इलेक्ट्रो थर्मल प्रोसेस का डायग्राम है। द मिक्सचर इज हीटेड एट 1673 टू 1773 केल्विन बाय द डिस्चार्ज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट बिटवीन कार्बन इलेक्ट्रोड्स। सिलिका कंबाइंड्स विद कैल्शियम फॉस्फेट एंड फॉर्म फॉस्फोरस पेंटोक्साइड विच इज रिड्यूस्ड बाई कार्बन इन टू फॉस्फोरस। तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होता है, कैल्शियम फॉस्फेट सिलिकेट से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है और ये जो कार्बन है वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बन रही है उससे रिएक्शन करके फॉस्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट सिलिका प्लस कार्बन, तो कैल्शियम सिलिकेट बन के ये अलग हो जाता है, फॉस्फोरस हमें मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है। वेपर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड लीव द फर्नेस थ्रू द अपर एग्जिस्ट एंड और कंडेंस्ड अंडर वाटर।
The liquid slag is tapped out periodically through an exit in the piece. Now purification. Phosphorus obtained is further purified by melting under acidified potassium dichromate solution. Second process is retort process. This is an old method of extraction of phosphorus. In this process, bone ash or phosphate rock is heated with concentrated sulfuric acid when orthophosphoric acid is formed. This is the bone ash, इसमें calcium phosphate होता है. Sulfuric acid के साथ हम इसको concentrated sulfuric acid के साथ heat करते हैं तो soluble orthophosphoric acid बनता है और insoluble calcium sulfate. The solution is filtered off. ये अलग हो जाता है insoluble solution में हमें क्या मिलता है H3PO4 यानी orthophosphoric acid. Orthophosphoric acid decomposes into metaphosphoric acid. And the metaphosphoric acid is mixed with powder coke and distilled in fire clay retorts where acid is reduced to phosphorus by carbon. The reaction is this metaphosphoric acid carbon से reaction करके carbon monoxide and water vapors अलग हो जाती हैं और हमें phosphorus मिलता है. The vapors of phosphorus so obtained are condensed in water and solid phosphorus settled down. Now purification of phosphorus. Phosphorus thus obtained from the above process is impure and it is further purified. Impure phosphorus is gently heated in a tank with sulfuric acid and potassium dichromate. Some impurities get evaporated after oxidation and remaining impurities float over the surface of liquid in the form of scum. Phosphorus settle down at the bottom of tank in the form of colorless and transparent liquid. Liquid phosphorus is condensed by passing into a long tube and solid phosphorus is collected. Now properties of white phosphorus. The pure form is white but attains yellow color on long standing due to the formation of a thin film of the red variety of the on the surface. The phosphorus is a transparent waxy solid, specific gravity 1.8, and can be easily cut with knife. It has a characteristic garlic smell and is poisonous in nature. 0.15 gram is the fatal dose. Vapors are also injurious. Persons working with phosphorus develop a disease in which the jaw bones sticky. This disease is known as Bossy jaw. It is insoluble in water but readily soluble in carbon disulfide. Phosphorus or white phosphorus melts at 370 Kelvin into a yellow liquid. It boils at 550 Kelvin. It in contact with air, it undergoes slow combustion and glows in dark. This property is called phosphorescence. Its ignition temperature is low, that is 303 Kelvin. It readily catches fire, giving dense fumes of phosphorus pentoxide. It is therefore kept in water. P4 plus ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है इसलिए इसको हम हमेशा कहाँ रखते हैं वाटर में रखते हैं. फास्फोरस डिसॉल्व इन कॉस्टिक एल्कलीज ऑन बॉइलिंग इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स फॉसिल. फास्फोरस NaOH सॉल्यूशन से रिएक्शन करके बनाता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्लस फॉस्फीन गैस. BH3 इज द फॉस्फीन गैस. It is directly combined with halogens forming first trihalides and then pentatrihalides. तो पहले क्लोरीन से या हेलोजन से रिएक्शन करके ये फास्फोरस ट्राईक्लोराइड करा बनाता है उसके बाद ये और आगे रिएक्शन कराया जाता है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है. It combines with number of metal forming phosphides. So,
with sodium it forms sodium phosphide, with magnesium it forms magnesium phosphide, with calcium it forms calcium phosphide, and with silver it forms silver phosphide. These are the formula of phosphides. It combines with sulfur with explosive violence, forming a number of sulfides such as phosphorus trisulfide, phosphorus pentasulfide, and P4S3 and P4S7. It acts as a strong reducing agent. It reduces nitric acid and sulfuric acid. Phosphorus reacts with nitric acid to form phosphoric acid and nitrogen dioxide. Reaction is tarah se hota hai. Nitric oxide oxygen leta hai insect, jo ki phosphorus se reaction karke phosphoric acid banata hai. Is tarah se reaction 10H2SO4, phir ye kya banta hai? Phosphoric acid aur sulfur dioxide. ऑक्साइड जब उसी तरह से रिएक्शन इसका ज़्यादा कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है. इट रिड्यूसेस नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बोथ. तो सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, और जब नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड से रिडक्शन होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है. तो ये ओवरऑल रिएक्शन है. P4 plus 2HNO3, तो H3PO4, 4 है आगे. 20NO2 plus 4H2O, when reacts with sulfuric acid, it forms phosphoric acid and sulfur dioxide. It reduces solution of copper, silver and gold salt to corresponding metals. It reacts with copper sulfate to reduce copper and phosphoric acid and sulfuric acid. बन जाता है. When the solution is heated, cuprous phosphide is formed. अब इसको हम जब हीट करेंगे ऐसे ही रिएक्शन कराने पे तो हमें कॉपर मिल रहा है, लेकिन जब हम इसको हीट कर देते हैं यहाँ पे 12SO4 plus 20H2SO4 तभी क्या बनता है? cuprous phosphide plus orthophosphoric acid and sulfuric acid. इसी तरह से AgNO3 के साथ जब हम हीट करते हैं फास्फोरस का सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन होता है तो हमें Ag मिलता है और फास्फोरिक एसिड प्लस HNO3. When heated in inert atmosphere at 513 Kelvin, phosphorus change into red variety. यानी 513 से 523 केल्विन तक जब हम इनर्ट एटमॉस्फेयर पे इसको हीट करते हैं तो येलो फास्फोरस रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है. स्ट्रक्चर. द वेपर डेंसिटी ऑफ वाइट फास्फोरस बिटवीन 773 to 973 केल्विन 62, विच करेस्पॉन्ड्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला P4. The four phosphorus atoms lie at the corners of the regular tetrahedron. जब general properties बताया था तो बताया था sulfur और phosphorus में इस तरह की tendency होती है, और कई और elements में भी, कि ये कई molecules आपस atom आपस में मिलकर के एक molecule बनाते हैं. Each phosphorus atom is linked to each of the other three atoms by covalent बॉन्ड. इस तरह से फास्फोरस आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हुए P4 बनाते हैं, जो कि फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. तो इसका ये स्ट्रक्चर है. बॉन्ड लेंथ इन दोनों की ये 221 PM है. बॉन्ड एंगल यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका. द पी बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 221 PM. द बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 60 degree, which suggests that the molecule is under strain and hence active in nature. Now red phosphorus. Now preparation of red phosphorus is formed by heating yellow phosphorus. अभी दिखाया reaction किस तरह से heat करते हैं white phosphorus को, तो ये red phosphorus में convert हो जाता है. Between 513 to 523 in presence of an inert gas.
The heating is done in an egg-shaped iron vessels provided with an upright tube close by safety valve. The thermometer placed in the iron ट्यूब्स हेल्प टू रेगुलेट द टेम्परेचर. इसका एपरेटस इस तरह से है, ये थर्मामीटर लगा हुआ है यहाँ, आयरन क्रूसिबल है बीच में, ये वाइट फास्फोरस हॉट गैसेस फर्नेस जब हीट करते हैं इसको 513 to 523 degree Kelvin पे, तो ये वाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में बदल जाता है. कंप्लीट डायग्राम इसका इस तरीके से ये है, छोटा करके हम पूरा दिखा देते हैं इसको. डायग्राम तो देख लो पहले, इस तरह से सेफ्टी वाल्व ऊपर लगे. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रेड फास्फोरस. रेड फास्फोरस इज ए डार्क रेड पाउडर with specific gravity 2.1. It is odorless and non-poisonous in nature. जबकि white phosphorus क्या था? Poisonous था. It is insoluble in water as well as in carbon disulfide. It is insoluble in water. It does not show phosphorescence. तो यहाँ ये कई difference हो गया. ये poisonous नहीं है, phosphorescence नहीं show करता. It sublimes in absence of air at 563 Kelvin. Sublime means heat करने पे सीधे ये vapors में convert हो जाता है, और जब इसको ठंडा करते हैं तो वापस फिर solid में convert होता है. Its ignition temperature is high, that is 533 Kelvin. Chemically it is not active in nature. It burns when heated above 533 Kelvin to form phosphorus penta ऑक्साइड P4502. जब हीट करते हैं इसको इस टेम्परेचर पे तब ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पे बदल जाता है. इट डज नॉट रिएक्ट विद कॉस्टिक एल्कलीज. इट कंबाइंस विद हैलोजन सल्फर एंड मेटल्स व्हेन हीटेड. तो क्लोरीन से रिएक्शन करके हीट करने पे बनाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर के साथ फास्फोरस ट्राइसल्फाइड एंड सोडियम के साथ ट्राइसोडियम फॉस्फाइड. नाउ इट चेंजेस टू वाइट फॉस्फोरस व्हेन इट इज वेपराइज्ड एंड द वेपर्स आर कंडेंस्ड. यानी वेपर्स को जब कंडेंस करते हैं तब ये वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस इस तरह से होता है. द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ रेड फॉस्फोरस इज नॉट येट नोन. It is regarded as a polymer consisting of chains of P4 octahedral linked together possible in the manner as shown here. इस तरह से ये red phosphorus होता है. Proposed molecular structure of red phosphorus. Now another type of phosphorus is black phosphorus. It is formed when white phosphorus is heated at 473 Kelvin under very high pressure in an inert atmosphere. तो थोड़ा सा difference हुआ इसमें. 473 Kelvin पे गर्म करेंगे, very high pressure and in inert atmosphere. तो white phosphorus 12,000 atmospheric pressure होना चाहिए, तो ये black phosphorus में convert हो जाएगा. It has a black metallic luster. Its specific gravity is 2.7. It does not ignite at 673 Kelvin. Here, it is a moderate conductor of heat and electricity. It is chemically inert. When heated to 823 Kelvin, it changed to the red variety. Now, structure. This is the only allotropic form of phosphorus whose structure is well established. It has a layer structure in which each atom is forming three strong bonds with its neighbors. The actual bond angle are 99 degrees and the bond distance between two nearest p atoms is 218 pm. The distance between adjacent layer is 388. इस तरह का इसका structure
होता है जिसे कहते हैं लेयर स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस. ओके, नाउ कंपैरिजन बिटवीन व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्रॉपर्टी व्हाइट फॉस्फोरस, इधर है रेड फॉस्फोरस. फिजिकल स्टेज सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड, जबकि ये ब्रिटिल पाउडर होता है रेड फॉस्फोरस. कलर व्हाइट व्हेन प्योर अटेन येलो कलर ऑन स्टैंडिंग, जबकि रेड फॉस्फोरस रेड होता है. तो एक तरह से जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है इसको हम येलो फॉस्फोरस भी कहते हैं. ऑर्डर गार्लिक, जबकि रेड फॉस्फोरस ऑर्डर लेस. स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 और दूसरे का 2.1. मेल्टिंग पॉइंट्स व्हाइट फॉस्फोरस 317 केल्विन, बट रेड फॉस्फोरस सबलाइम इन एब्सेंस ऑफ एयर एट 563 केल्विन. इग्निशन टेम्परेचर व्हाइट फॉस्फोरस 303 केल्विन, वाइल इग्निशन टेम्परेचर इन रेड फॉस्फोरस 543. सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर बोथ. सॉल्युबिलिटी इन कार्बन टेट्रा सल्फाइड, दोनों कार्बन डाइसल्फाइड. तो कार्बन डाइसल्फाइड में व्हाइट फॉस्फोरस सॉल्युबल है जबकि रेड फॉस्फोरस इनसॉल्युबल. फिजियोलॉजिकल एक्शन पॉइजनस, व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस है जबकि रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस. केमिकल एक्टिविटी व्हाइट फॉस्फोरस एक्टिव बट दिस इज लेस एक्टिव. स्टेबिलिटी व्हाइट फॉस्फोरस अनस्टेबल जबकि रेड फॉस्फोरस क्या है स्टेबल. फॉस्फोरेसेंस ग्लोज इन डार्क बट रेड फॉस्फोरस डज नॉट ग्लो इन डार्क. बर्निंग इन एयर व्हाइट फॉस्फोरस फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड. रिएक्शन विद NaOH इवॉल्व फॉस्फीन, रेड फॉस्फोरस नो रिएक्शन. एक्शन ऑफ क्लोरीन कंबाइंस स्पॉन्टेनियसली टू फॉर्म फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, बट रेड फॉस्फोरस रिएक्ट्स ऑन हीटिंग टू फॉर्म फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड. रिएक्शन विद हॉट HNO3 इट फॉर्म्स फॉस्फोरिक एसिड एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स फॉस्फोरिक एसिड. मॉलिकुलर फॉर्मूला P4 रेड फॉस्फोरस एज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीमर फॉर्मूला. नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इज फॉस्फीन. फॉस्फीन इज इट इज अ गैस एंड इट इज एनालोगस टू अमोनिया. इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जेंजेम्ब्रे इन 1783. इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन फॉस्फाइड और फॉस्फो रिटेड हाइड्रोजन. नाउ लेबोरेटरी प्रिपरेशन इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉस्फीन एंड फॉस्फीन गैस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. इट इज प्रिपेयर्ड बाई बॉइलिंग येलो फॉस्फोरस विद ए कंसनट्रेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एन इनर्ट एटमोसफियर. रिएक्शन देख चुके हो. P4 reacts with NaOH and H2O forms sodium hypophosphite and pH3. This is called phosphine gas. Beside pH3, a small amount of hydrogen and phosphorus dihydride, that is P2H4, are also formed. इस तरह से रिएक्शन में 4NaH2 PO2 plus 2H2 और साथ में और रिएक्शन प्रोसीड करता है तो 2P2H4 बनता है जिसको क्या कहते हैं फास्फोरस डाइहाइड्राइड. एपरेटस इसका इस तरह से होता है. फ्लास्क लेते हैं, यहाँ पे वाइट फास्फोरस लिया जाता है और हीट करते हैं इसको NaOH सॉल्यूशन के साथ. तो फॉस्फीन गैस बनती है जिसको हम इस तरह से वाटर के अंदर से ये ट्यूब ले जाते हैं. चूंकि ये एयर में जो है बर्न करती है तो इस तो हम इसको इसलिए वाटर में पास करते हैं. तो ये स्मोक इसमें से उठता है इस तरीके से. इसके बारे में बताते हैं. P2H4 कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम फॉस्फीन बाय द फॉलोइंग मेथड. बाई पासिंग द इवॉल्व गैस थ्रू ए फ्रीजिंग मिक्सचर
विच कंडेंस P2H4, तो फ्रीजिंग में से क्यों पास करते हैं, बाई पासिंग द गैस थ्रू हाइड्रोजन आयोडाइड PH3 is absorbed forming phosphonium iodide. This on treatment with caustic potash gives pure phosphine. Reaction is this PH4I plus KOH. So Ki plus H2O plus PH3. Pure phosphine can be obtained by using alcoholic potassium hydroxide in place of aqueous NaOH solution. Phosphine can also be prepared by the application of following reaction. Heating phosphorus acid, it gives phosphine. By treating phosphonium iodide with 30% KOH solution, it gives phosphine. The evolved gas is first passed through HCl. एंड देन थ्रू NaOH, यहाँ पे क्या होता है, डिकम्पोज कर देता है ये P2H4 को और NaOH HI को एब्जॉर्ब कर लेता है. दिस गिव्स प्योर PH3. बाई ट्रीटिंग एल्यूमिनियम फॉस्फाइड विद डायलूट H2SO4 also gives phosphine. And by doing hydrolysis of calcium phosphide with water or dilute HCl gives phosphine gas, calcium phosphide Ca3P2 plus 6H2O. Hydrolysis कराने पे calcium hydroxide और phosphine gas बनती है. Now physical properties of phosphine gas. Phosphine is a colorless gas having an unpleasant garlic-like odor or rotten fish odor. It is heavier than air and sparingly soluble in water. It liquefies at 185.5 Kelvin and solidifies at 139 Kelvin. Phosphine is a poisonous in nature. Now, chemical properties. Decomposition. When heated out of contact of air to 713 Kelvin or when electric spark are passed through, phosphine decomposes into red phosphorus and hydrogen. This is the reaction. Red phosphorus or hydrogen अलग हो जाता है. Combustibility, a pure sample of phosphine is not spontaneous inflammable. It burns in air or oxygen when heated at 423 Kelvin. PH3 oxygen से heat करते हैं तो phosphorus pentoxide plus 3H2O बनाता है. The spontaneous inflammability of phosphine at the time of preparation is due to the presence of highly inflammable phosphorus dihydride. This property is used making Ohm signal. A mixture of calcium carbide and calcium phosphide is placed in a metallic container. Two holes are made and the container is thrown into the sea. Water enters and produces acetylene and phosphine respectively. The gaseous mixture catches fire spontaneously due to the presence of P2H4. The acetylene produces a bright luminous flame which serves as a signal to the approaching ship. Now action of chlorine. This is important reaction. Phosphine burns in the atmosphere of chlorine and forms phosphorus pentachloride. This reacts with chlorine and forms phosphorus pentachloride. Now, basic nature. Phosphine is a neutral litmus. However, it is weak base, even weaker than ammonia. It reacts with HCl, HBr or HI to form phosphonium कंपाउंड. जैसे कि अमोनियम कंपाउंड बनते हैं, PH3 रिएक्ट्स विद HCl फॉर्म PH4Cl, फास्फोनियम क्लोराइड, PH3HBr, फास्फोनियम ब्रोमाइड एंड विद HI इट फॉर्म फास्फोनियम आयोडाइड. नाउ एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड. इन कंटैक्ट विद नाइट्रिक एसिड फॉस्फिन बिगिंस टू बर्न. इस तरह से फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. रिएक्शन इस तरह से
HNO3 nascent ऑक्सीजन देता है और ये रिएक्शन करता है PH3 से और ये फिर ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से होता है. नाउ एडिशन कंपाउंड, इट फॉर्म्स एडिशन कंपाउंड्स विद एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड. इट रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म एडिशन कंपाउंड, ऐड हो जाता है इसी तरह इसके साथ ऐड हो जाता है. When phosphine is passed through cuprous chloride solution in HCl, it forms addition compound. Now formation of phosphides. When phosphine is passed through copper sulfate solution, a black precipitate of cupric phosphide is formed. Copper sulfate plus PH3 forms cupric phosphide. A black precipitate. A black precipitate of silver phosphide is formed when phosphine is circulated through silver nitrate solution. HNO3 से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सिल्वर फॉस्फाइड. मर्करी फॉस्फाइड इज फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फीन इज एब्जॉर्ब इन मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन. दिस इज मर्करी फॉस्फाइड. PH3 रिएक्शन करती है मर्क्यूरस मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ तो बनता है मर्करी फॉस्फाइड. द मिक्सचर ऑफ PH3 एंड N2O और PH3 एंड NO एक्सप्लोड्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क एंड रिएक्शन इज दैट. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फीन. फॉस्फीन इज ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल. इट हैज ए पिरामिडल स्ट्रक्चर लाइक एमोनिया. इसी तरह से अमोनिया की स्ट्रक्चर होती है उसी तरह फॉस्फीन की. दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास होता है और बॉन्ड एंगल होता है HPH का 93 डिग्री. नाउ यूजेस फॉर मेकिंग होम सिग्नल्स, फॉर मेकिंग स्पोक स्क्रीन्स, फॉर मेकिंग मेटालिक फॉस्फाइड्स. This is the important point that comparison of phosphine and ammonia. Both are colorless gas. Characteristic pungent smell होती है, स्मेल होती है अमोनिया में, जबकि unpleasant odor of rotten fish की तरह इसकी स्मेल होती है. मॉलिकुलर फार्मूला NH3 या PH3. अमोनिया हाईली सोल्यूबल इन वाटर बट फॉस्फिन स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. अमोनिया लाइटर देन एयर जबकि फॉस्फीन हैवियर देन एयर. अमोनिया इज नॉन पॉइजनस बट फॉस्फीन इज पॉइजनस. डिकम्पोज एट 1573 दिस इज अमोनिया एंड फॉस्फीन डिकम्पोज एट 713 केल्विन. अमोनिया बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. दिस इज द रिएक्शन. But phosphine burns with white bright flame and forms phosphorus pentoxide. Basic character, ammonia basic in nature forms ammonium salt with acid. This is weak. Phosphine is a weak base, forms PH4Cl, any phosphonium chloride. Solubility, stability. Ammonia fairly stable but phosphine less stable. Now ammonia forms N2NCl3 and ammonium chloride, jabki phosphine forms only PCl3 and PCl5. Ammonia forms soluble complex with HNO3 but phosphine forms black precipitate, that is Ag3. Reaction of copper sulfate is forms blue colored complex compound but it forms black precipitate of copper phosphide. इस तरह से एक complete reaction नहीं दिख रहा था यहाँ पे. ये देखो इस तरह से ये reaction इसका हो रहा है और इसका reaction इस तरह से हो रहा है. और एक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ब्लू कलर का जबकि ये क्या बनाता है, कॉपर फॉस्फाइड. ऑफ फार्मूला Cu3P2. हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में प्रेजेंट होती है जबकि फॉस्फीन में एबसेंट होती है.
Solvent property, ammonia is a good solvent for many substances, but phosphine does not act as a solvent. Action of hot sodium, ammonia reacts with sodium to form sodamide, and phosphine reacts with sodium to form phosphite, sodium phosphide. Pyramidal structure, iska bhi hai, bond angle yahan pe 107.5 degree hai, jabki yahan 93 degree hai. A black precipitate of silver phosphide is formed when phosphine is circulated through silver nitride. ये पढ़ चुके हो, structure of P हो गया है. उसके बाद ये दूसरा compound है phosphorus का, phosphorus trichloride. It is prepared by dry chlorine is passed over red or white phosphorus heated gently in a retort over a water bath. The vapors of trichloride are condensed in the receiver and cooled in a freezing mixture. तो क्लोरीन से रिएक्शन होता है तब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है. It is also prepared by the action of thionyl chloride on white phosphorus. This is important reaction. Phosphorus, white phosphorus plus thionyl chloride forms phosphorus trichloride plus SO2 plus S2Cl2. Balanced reaction. Now properties of phosphorus trichloride. It is a colorless, pungent, smelling, fuming liquid. It boils at 347 Kelvin. And solidified at 161 Kelvin. It fumes in moist air. It reacts violently with water forming phosphoric acid. Water के reaction करके ये phosphoric acid बनाता है. It reacts with concentrated sulfuric acid forming chlorosulfuric acid. This is the reaction. सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरोफास्फोरिक एसिड बनता है, साथ में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl. सल्फ्यूरिक एसिड PCl3 से रिएक्शन करता है, तो इसका रिएक्शन हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, क्लोरोफास्फोनिक एसिड प्लस फास्फोरिक एसिड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HCl. इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी एथिल अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसमें. PCl3 रिएक्शन करके एथिल क्लोराइड प्लस फास्फोरिक एसिड बनाता है. इसी तरह एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो OH हटा करके Cl जुड़ गया, एसिटिल क्लोराइड प्लस H3PO3 बना. बेंजीन सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन करता है, PCl3 बनाता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्लस फास्फोरिक एसिड. It directly combined with Cl2. This indicate that it is an unsaturated compound. Cl2 से ये direct मिल करके बनाता है PCl5. PCl3 O2 से reaction करके बनाता है phosphorus oxychloride और sulfur से clear करके PsCl3. तो this is direct, this combined directly with Cl2O2NH, this indicate that it is an unsaturated compound. It act as reducing agent. Reducing agent यानी ये इन सब से रिएक्शन करके रिड्यूस कर देता है इन सबको, सल्फोनियम क्लोराइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, SOCl2, S2Cl2, इन सब से ये रिएक्शन करके इस तरह के कंपाउंड बनाता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और ये सब product. It reacts with finally divided metals when hot. Ag से reaction करके AgCl बनाता है और phosphorus को अलग, phosphorus अलग हो जाती है. Sodium से reaction करके sodium chloride और sodium phosphide बनाता है. Now use of phosphorus trichloride. It is widely used in organic chemistry as an important reagent for replacing hydroxyl group by chlorine. The structure is similar to an ammonia. P atom undergoes sp3 hybridization.
in the tetrahedral configuration, one of the position is occupied by a lone pair. Thus, it is a pyramidal in shape. CLPCL bond angle is 100.4 degree and bond length is 204. This is the structure. Yeah, lone pair of electron होता है phosphorus के पास. बाकी तीन CL इस तरह से जुड़े होते हैं. Now phosphorus pentachloride, another compound, important compound of phosphorus. It is obtained by action of an excess of dry chlorine gas on phosphorus chloride. Phosphorus chloride पे chlorine gas के action से phosphorus pentachloride बनता है. It may be obtained by the action of sulfuryl chloride on phosphorus or phosphorus trichloride. Sulfuryl chloride जब फास्फोरस से रिएक्शन करती है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है. इस तरह से PCl3 से ये रिएक्शन करती है सल्फोनिल क्लोराइड तो भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है. दीज आर द रिएक्शंस. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज एन ऑलमोस्ट कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विद ए पंजेंट कलर. When pure, on heating it sublime at 433 Kelvin. When heated it dissociate into PCl3 and Cl2. This is the. It undergoes a violent hydrolysis by water. Water से hydrolysis होती है तो ये phosphorus oxychloride बनाता है और ज्यादा होने पर ये phosphoric acid और HCl बनाती है. Similar reactions occur in heavy water with heavy water. PCl5 reacts with heavy water to form phosphorus oxychloride and 2DCl. And PCl5 reacts in excess, it forms P3PO4 plus 5DCl. That is the compound of heavy water, this and this. It reacts with hydroxy compounds and replace hydroxyl group to chlorine atom. OH यहाँ से और यहाँ से OH सबसे ये replace कर देता है जब इन सब reaction से होता है hydroxyl compounds के साथ Cl आ जाता है अपना इसका Cl जो है जुड़ जाता है OH हटा करके. इसी तरह acetic acid के साथ reaction होता है तो ethanoyl chloride बनता है और इसके साथ होता है तो सल्फ्यूरिक क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन जब होता है. मेनी मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड्स व्हेन हीटेड विद PCl5. Zn HgSn जब PCl5 से रिएक्ट करते हैं तो AgSn ZnCl AgCl SnCl4 इस तरह के कंपाउंड बना लेते हैं. It reacts with phosphorus pentoxide and sulfur dioxide. These are the important reaction. Phosphorus pentoxide plus phosphorus pentachloride react to form phosphorus oxychloride and phosphorus pentachloride and sulfur dioxide reacts to give phosphorus oxychloride and thionyl chloride with KF. PCl5 forms potassium phosphorus hexafluoride. KF plus PCl5 यानी potassium fluoride तो ये बनता है phosphorus hexafluoride KPF6. It reduced by hydrogen से reaction करके ये PCl3 में convert हो जाता है और HCl बनता है. Uses it used as a chlorinating agent in organic chemistry. Now structure of phosphorus pentachloride इस तरह का structure होता है. इसका एक phosphorus से पांच chlorine atom जुड़े होते हैं. इसमें तीन covalent bond बनाते हैं और दो chlorine atom singlet linkage से जुड़े होते हैं. X-ray studies have revealed that PCl5 consists of ionic lattice. That is tetrahedral PCl4 plus cation and octahedral PCl6 minus anions. In vapor state, it has a trigonal pyramidal shape in which phosphorus has sp3d hybrid
diazation. Three equatorial PCL bonds are equivalent, while two axial bonds are different and larger than equatorial bond. इस तरह से तीन क्लोरीन इस तरह से जुड़े होते हैं. ये आयंस जब बनाता है प्लस, और ये ऑक्टाहेड्रल एनायन PCl6 का स्ट्रक्चर है, और ये टेट्राहेड्रल कैटायन PCl4 का स्ट्रक्चर है इस तरह से. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सा एसिड. तो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में था, अब कुछ हम ऑक्सा एसिड के स्ट्रक्चर दिखाते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सा एसिड्स ऑफ फास्फोरस, जैसे कि H3PO2, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, या इस तरह से डबल बॉन्ड के ऑक्साइड इधर OH है और इधर H है, या दोनों पॉसिबिलिटी है. यानी 1 POH, 2 PH एंड 1 P कोऑर्डिनेट बॉन्ड और P डबल बॉन्ड. H3PO3 फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीजें डिटेल में. POH, 2 POH बॉन्ड है यहाँ, 1 PH बॉन्ड, 1 P कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, या P O डबल बॉन्ड. इसी तरह से H4P2O5 का स्ट्रक्चर है, और कितने कितने कौन से बॉन्ड है ये यहाँ पे है, 2 POH बॉन्ड है यहाँ पे, ये 2 PH बॉन्ड है ये, एंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या P डबल बॉन्ड O है इस स्ट्रक्चर में, और POP बॉन्ड है. उसके बाद ये H4P2O6 ऑक्सा एसिड्स हैं ये सब फास्फोरस के, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है. 1, 2, 3, 4 OH POH बॉन्ड, 2 P कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, या यहाँ पे P के साथ तो वो P और O के बीच डबल बॉन्ड है, एंड PP बॉन्ड्स. H3PO4, दिस इज फास्फोरिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरिक एसिड. इसमें क्या है, 3 PO, P and OH बॉन्ड 3 है ये, और ये 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इधर क्या, या इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, 2-3 P और OH बॉन्ड तो है ही, साथ में P डबल बॉन्ड हो एक बॉन्ड है. नाउ H4P2O7, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, देख सकते हो कितने कितने बॉन्ड है यहाँ पे पूरे. उसके बाद अगला है HPO3, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, रिंग बना रहे हैं ये ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन फास्फोरस इस तरह से, और उसके साथ अटैच है एक पी ओ एच और डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा हुआ है, दूसरा इधर ओ डबल बॉन्ड ओ और ओ एच सेम है, तीनों तीनों पी से ओ एच और ओ इस तरह से जुड़े हैं, या इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी हो सकता है, कंबाइंड फॉर्म में ये मिलते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है. पी के साथ इस तरह से पी ओ पी बॉन्ड, पी ओ पी ओ बॉन्ड, इधर ओ पी ओ बॉन्ड है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का. जी इस तरह से या इस तरह से. ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर हमने तुम लोगों को दिखाए. ये है H3PO2 का, जब उसका हम जिस तरह से शेप होता है उस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है. ये है हाइपो फास्फोरिक एसिड H3PO2, H3PO3 फास्फोरस एसिड, इनके स्ट्रक्चर अभी देखा था. जब इनकी शेप ज्योमेट्री जब हम देखेंगे तो वो इस तरह की होती है. इसी तरह से ये है फास्फोरिक एसिड की ज्योमेट्री, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड मेटाफॉस्फोरिक एसिड. तो ये सारे डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो देख करके, बना करके. और उसके बाद है ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड,
यानी H4E2O7 ये सारे स्ट्रक्चर अभी देखे हैं, और फास्फो फास्फोरस एसिड दैट इज H4P2O5 सारे स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने हैं। अब कुतु जो हमने वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस बताए थे, और बताया था शायद वायलेट फास्फोरस भी होता है, उसके अलावा स्कारलेट फास्फोरस, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। वायलेट फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ Na एट 473 केल्विन, यानी Na के साथ अगर हम इसको इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वायलेट फास्फोरस बनता है। एंड इट इज क्रिस्टलाइन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 863 केल्विन। दूसरा है स्कारलेट फास्फोरस, when solution of white phosphorus with 10% NaOH solution is boiled or about for about 10 hours scarlet phosphorus is obtained. It may also be obtained by keeping solution of white phosphorus in CS2 in sunlight or in air. It slowly oxidizes with alkalis, it gives phosphine. So this is the स्टडी ऑफ फास्फोरस एंड देयर एंड इट्स कंपाउंड्स। तो अब अगले क्लास में हम अगला ग्रुप जो पी ब्लॉक का है, 16 ग्रुप 16, उसके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे।